Hi all. Let me start this session with a beautiful phrase, to go where no one has gone before. Now this is a very famous and introductory phrase of a TV series called Star Trek. I hope काफी लोगों ने जो इस सेशन को देख रहे हैं इस सीरीज को देखा होगा या सुना होगा. दिस वॉज अ वेरी फेमस सीरीज बैक इन 80s एंड 90s. तुम में से काफ़ी लोग पैदा नहीं हो गए, इनफैक्ट कोई भी पैदा नहीं हुआ होगा. बट अगेन दिस सीरीज इज देयर इन एंड द पॉपुलर इंटरनेट चैनल्स लाइक नेटफ्लिक्स एंड अमेजन प्राइम. सो दिस एज फार एज दिस फेज इज कंसर्न, दिस होल्ड्स ट्रू एंड इज परफेक्टली एप एज फार एज इंडियाज पोजिशन इन इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड इज कंसर्न. सो इंडिया गाइज हैज़ नॉट बिन परफॉर्मिंग दैट वेल इन इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड डिस्पाइट बींग अ कंट्री ऑफ 1.3 बिलियन पॉपुलेशन एंड अ लॉट ऑफ टैलेंट. सो प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, प्रॉब्लम अवेयरनेस की है. जस्ट दैट पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दीज ओलंपियाड्स. और वही काम किस तरीके से होगा, बोल्ड स्टेप्स उठाने से होगा. सो वेदांतु हैज़ टेकन सम बोल्ड स्टेप्स. इट हैज़ गॉन ऑल इन एज फार एज प्रिपरेशन फॉर इंटरनेशनल ओलंपियाड इज कंसर्न, राइट. सो VOS इज वन सच विंग जो कि स्ट्रक्चर्ड तरीके से सभी ओलंपियाड जूनियर्स एंड सीनियर्स को की तैयारी करवाता है. एंड गाइज दिस इज अ बोल्ड स्टेप टेकन बाय अस एंड यू हैव टू कम फॉरवर्ड एंड जॉइन आवर हैंड्स टू मेक इंडिया राइज अगेन to see where it should be, that is at the top. And I am very sure with the kind of efforts that we are putting in, you will complement our efforts and make India rise again. Right? All right. So guys, before we start, let me introduce myself. I'm Abhay Mahajan. I'm done my engineering from IIT Roorkee. And I've been lucky and privileged enough to have produced some wonderful ranks. And I hope to continue this journey with you all. All right. सो जैसा कि हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, इस सीरीज में क्या डिस्कस करते हैं, हम ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं विच आर बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स. सो आज एक ऐसा ही टॉपिक मैं लेके आया हूँ नंबर थ्योरी से विच इज़ बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स, जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं दिया होता या बहुत कम दिया होता है. द टॉपिक्स नेम इज़ डायफेंटाइन इक्वेशन. अब तुम लोग सोच रहे होगे, सर इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स नाम डायफेंटाइन, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं, राइट. तो बच्चों सिंपल मैथ्स का फंडा है. मैथ्स में तो सिंपल छोटी चीज़ें अल्फा बीटा गामा एक्स वाई ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं. डायफेंट इतना बड़ा नाम कहाँ से आ गया? सो जितना बड़ा नाम, जितना बड़ा क्वेश्चन, जितना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला, उतना ही आसान चीज़, ठीक है. सिंपल फंडा ऑफ मैथमेटिक्स, राइट. सो डायफेंटाइन इज वन सच कॉन्सेप्ट दैट विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज क्लास. एंड अगेन डायफेंटाइन को आई हैव इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे डिवाइडेड इंटू टू लेक्चर्स. So first part I'll be discussing in today's session and the next part in the next session, alright? So guys, without wasting any time, let us jump on to what Diophantine equation is. So Diophantine equation hota kya? So bachon, Diophantine equation kya hota hai? An equation having more than one variables. Ek aisi equation jiske andar ek se zyada variables hote hain, for which integral solutions are required. But jisme integral solutions required hote hain, wo Diophantine equation hoti hai. एक सिंपल एग्जाम्पल से x स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 50 इज अ डायफेंटाइन इक्वेशन वेयर x एंड y आर इंटीजर्स. सो अगर x और y इंटीजर्स है, दिस इज द डायफेंटाइन इक्वेशन बिकॉज दिस इज एन इक्वेशन इन मोर देन वन वेरिएबल्स, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं एंड x एंड y आर इंटीजर्स. सो कोई भी इक्वेशन, कैसी भी इक्वेशन, क्यूबिक हो, स्क्वायर रूट हो, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स हैं वो इंटीजर्स हैं. एक मैथ्स में बच्चों बहुत बेसिक सी चीज़ है इक्वेशन सॉल्व करने का, एक सिंपल फंडा क्या है, मंत्रा इस, जितने वेरिएबल्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए एग्जैक्टली उतनी इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है. सो इफ देर आर टू वेरिएबल्स वी नीड एग्जैक्टली टू इक्वेशंस टू सॉल्व, थ्री वेरिएबल्स थ्री इक्वेशंस, एन वेरिएबल्स एन इक्वेशंस. बट डायफेंटाइन में ऐसा नहीं है, डायफेंटाइन में सिर्फ एक ही इक्वेशन दी हुई है विद एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स. सो डायफेंटाइन मीन्स ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशंस, राइट. ऑलराइट, तो क्या होता है, बहुत सारे सवाल होंगे तुम्हारे मन में कि कैसे सॉल्व करें सर, एक ही इक्वेशन दो वेरिएबल या तीन वेरिएबल या चार वेरिएबल कैसे आएगा. सो अगेन गाइज डोंट वरी, विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट डायफेंटाइन इक्वेशन इन टुडेज सेशन एज वेल एज इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डायफेंटाइन इक्वेशन इज दिस,
a linear equation in x and y, two variables से start कर रहे हैं हम. So ax plus by is equal to c, ax plus by is equal to c, 2x plus 3y is equal to 4. Simplest type of Diophantine equation, where x and y are obviously integers. अब solve कैसे करना है, बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे. So let us jump on to the questions, and questions के through हम इस concept को सीखने की कोशिश करते हैं. All right. So guys, this is the first equation or first question. So try to solve this. Find the number of positive solutions to the equation 12x plus 5y is equal to 125. Again guys, question को ध्यान से read करना है. Integral solution तो पूछा भी है, but उसके साथ एक और word add कर दिया मैंने, that is positive. So hurry up. This is a simple question. इसमें कुछ भी concept required नहीं है, तो हम आराम से बिना concept के, बिना कॉन्सेप्ट जाने इसको सॉल्व कर सकते हो. जल्दी से फटाफट से आंसर चैट बॉक्स पे लिखो. इज इट जीरो और वन और टू और इनफिनिट, ए बी सी और डी? हरी अप गाइस. चलो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी पता, बहुत सिंपल सी चीज है, लॉजिकल माइंड, सिर्फ लॉजिक से खेलना है हमें. सो 12x बचे इज 125 माइनस 5y. सो 12x is equal to 5 times 25 minus 5. Ho gaya. Now, right-hand side is a multiple of 5. Right-hand side is a multiple of 5. Matlab, right-hand side always ends with 0 or 5. Iska matlab, left-hand side should also end with 0 or 5. And x and y are positive. So, dhyan se soch ke batao कि x क्या हो such that 12x should end with 0 or 5. Yes, so x can be 5, so that 12x becomes 60. Or x can be 10, so that 12x becomes 120. X can be 15, but 15 में तो problem है. Problem क्या हो जाएगा? That 12 into 15 would be greater than, 12 into 15 will be greater than 125. उस केस में y negative हो जाएगा. But we want positive integral solutions. So can I say only these two values, that is it. So exactly two solutions. X 5 hai bache, to 12x 60 ho gaya. So 60 plus 5y ho gaya 125. This means 5y is 65 and y becomes 13. And if x is 10, 120, the 5y will be 125 minus 120, that is 5, y giving 1. So these are the two solutions. Kaun kaun se? 5, 13 and 10, 1. So simple question, simple logic, koi concept ki zarurat nahi thi, and humne ye solve kar liya. All right. So let us now look at the concept. Is karna kaise hai? Agar 12 aur 5 ki jagah coefficients difficult ho jate, to kaise karna hai? To har coefficient ke liye question karna zaruri aana chahiye na? So let us look at the solution, guys. So again, उसने भी यही किया, 12x is 5 times 25 minus y. Now, he has applied a logic, same logic, that 5 and 12 are co-prime. 5 and 12 are co-prime. So that means, if 12x is 5 times 25 minus y, the 5 should divide x. X, मतलब, in other words, x has to be a multiple of 5. So 5 will have to divide x, तभी तो cancel होगा. Right? So if 5 divides x, the shortest value, the smallest value of that x can take, positive value is 5. Aur jaisi x ko 5 put karenge, y 13 aa gaya. Now, I've got one solution. 5, 13 aa gaya. Now the question is, ki sir, baki ke solutions kya dobara put karke dekhne padenge? The answer is no. Baki ke solutions bahut asani se aa jayenge bache. That if 5, 13 is one of the solutions, ye 5 hai, ye 13 hai. The other solution, general solution kya ho jayega iska? 5 plus 5t and 13 minus 12t. Simple. In other words, if x0, y0 is the solution of a Diophantine linear equation, the general solution will be, if this is a solution of the equation ax plus by plus is equal to c, the general solution, my dear friends, will be x0 minus bt and y0 plus 80. ठीक है, यहाँ पर plus और यहाँ पर minus कर सकते हैं, but x0 minus bt and y0 plus 80. Now the question is, sir, ऐसे कैसे बोल दिया?
So guys, let me make this proof work. So agar x naught y naught bachcha solution hai, so x naught y naught to satisfy karega. Is solution ko put karke dekhte hain. So a times, can I say x naught minus bt plus b times y naught plus at. अब ध्यान से देखो, कहने से ए बी टी एंड ए बी टी कैंसिल हो रहे हैं, सो अल्टीमेटली ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट ही रहेगा, विच इज ट्रू. सो अगर एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इज अ सोल्यूशन टू दिस सिंपल डायफेंटाइन लीनियर इक्वेशन, द जनरल सोल्यूशन विल बी एक्स नॉट माइनस बी टी वाई नॉट प्लस ए टी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, दिस कैन वर्क, ठीक है. माइनस प्लस या प्लस माइनस तुम्हारी मर्जी है. नाउ इफ 5,13 इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस, ठीक है, 5,13 वन ऑफ द सॉल्यूशंस है, तो इसमें बी 5 हो गया और ए 12 है, तो 5 प्लस 5t 13 माइनस 12t, राइट. नाउ लेट अस ट्राई टू पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी. सो अगर मैं टी को 0 पुट करता हूँ, सो सॉल्यूशन क्या आ गया, 5,13. अगर मैं t को 1 पुट करता हूँ, सॉल्यूशन क्या आ गया, 10,1. और अगर मैं t को 2 पुट करता हूँ, 2 पुट करने से देखो क्या हो रहा है, 13 माइनस 24. 13 माइनस 24 कितना हुआ, माइनस 11. सिंस दिस इज नेगेटिव, विल नॉट टेक दिस. सो जस्ट बाय पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ t, आई एम एबल टू गेट दी पॉजिटिव सोल्यूशन और वॉट एवर सोल्यूशन आर रिक्वायर्ड, राइट. सो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इफ x नॉट y नॉट, if x naught y naught is a solution, the general solution will be x naught minus bt y naught plus at. Khatam ho gaya question, khatam ho gaya concept, that is it. I hope you all understood this. Yes or no? Yes or no, everyone? Superb, superb. Chalo, let us try another question, guys, and develop on to this concept. जल्दी से मुझे बताओ, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डायफेंटाइन इक्वेशन 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 5. फटाफट से मुझे सॉल्यूशन बताओ, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 5. क्या सॉल्यूशन होगा, क्या जनरल सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन मतलब t की फॉर्म में, फटाफट से. आई जस्ट वॉन्ट टू सी इफ यू हैव बीन ट्रिक्ड और नॉट. क्या तुम्हें ट्रिक समझ में आया या नहीं आया, क्या तुम्हें ट्रिक समझ में आया या नहीं आया. ऑल राइट, सो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 5. लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस गाइस. लेफ्ट हैंड साइड इज अ मल्टीपल ऑफ 3. यस, लेफ्ट हैंड साइड इज अ मल्टीपल ऑफ 3 बिकॉज आई कैन टेक 3 कॉमन, व्हाइल RHS इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. RHS इज 5, विच इज 2 mod 3. मॉड का कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में किया था, कॉन्ग्रेंस. सो LHS इज अ मल्टीपल ऑफ 3 व्हाइल RHS इज नॉट. फॉर एनी एक्स एंड वाई, LHS इज अ मल्टीपल ऑफ 3, RHS इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. सो दिस हैज नो सॉल्यूशन. समझ में आया, अब कंफ्यूज हो गए होगे, सर पिछले में तो आपने आंसर लिख दिया, इसमें तो आप बोल रहे नो सॉल्यूशन, तो हमें कैसे पता लगेगा वेदर द सॉल्यूशन ऑफ दिस equation of this type has a solution or not. So, फटाफट से हम इसका theorem पढ़ते हैं. Theorem 1 बहुत important है, लिख लो, जहाँ पर भी study table है, उसके ऊपर लिख लो, that if ax plus by is equal to c has no integral solution if GCD of ab does not divide c. A और B का GCD अगर C को डिवाइड नहीं करता, दिस इक्वेशन विल नॉट हैव एनी सॉल्यूशन. सो लेट अस सी दिस थ्योरम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन. सो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 5 था. सो बच्चों 3 और 6 का HCF, GCD क्या है, 3 है. क्या 3 5 को डिवाइड करता है, 3 5 को डिवाइड नहीं करता, तो इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा. सिंपल थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम एंड वेरी सिंपल ऑल्सो. सिंपल सी चीज़ है, अगर जीसीडी ऑफ ए बी डी है, सो डी कैन आई से डी डिवाइड्स LHS, तो डी शुड ऑल्सो डिवाइड RHS. बट अगर डी RHS को डिवाइड नहीं करता, तो ये फंडामेंटली ही गलत हो गया.
So this equation will not have any solution. Just tell me yes or no whether this equation 3x plus 5y is equal to 4, will it have any integral solutions? Will it have any integral solutions? Yes or no? Yes or no? Just write yes or no in the chat box. Agar samajh mein aaya. So yes. So 3 or 5 ka HCF, GCD is 1 bache. Kya 1 4 ko divide karta hai? Bilkul karta hai. So this will have some solution. Kya hoga? Wo tum mehnat karoge to aaram se mil jayega. General solution bhi mil jayega agar solution mila hai. But some solution to hoga hi hoga. I hope this is clear to each and every one of you. Right? So this is the proof which I have already explained to you. Right? Chalo. Theorem 2. Theorem 2 bachon, if GCD of AB is 1, so clearly this is the extension of theorem 1 only. AX plus BY is equal to 1 will always have solutions, integral solutions. Agar A or B ka GCD 1 hai, to 1 to bache right hand side mein har kisi number ko divide karega. To iska to solution hoga hi hoga. 3X plus 5Y ka GCD 3 or 5 ka 1 hai. तो राइट साइड में ना कुछ भी नंबर पुट कर दो, राइट साइड पे कुछ भी नंबर पुट कर दो, 3, 4, 5, -2, -3, इन सब के सॉल्यूशंस होंगे इंटीग्रल. ठीक है? सो थ्योरम 2 इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ थ्योरम 1, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर. थ्योरम 3 हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इट सेज इफ एक्स नॉट एंड वाई नॉट आर is one of the solutions of AX plus BY is equal to C, the general solution, my bacho, will be X naught plus BT and Y naught minus AT. Isko tum X naught minus BT and Y naught plus AT bhi likh sakte ho. Minus plus farak nahi padta, but this is something you should remember. Very simple. Because ये वाली चीज अगर x naught y naught इसको satisfy करता है, so ये वाली equation, ये वाला solution भी उसको satisfy करेगा, because a b t वाली terms cancel हो जाएंगी. Simple. ठीक है? So this is a general solution which is very helpful. I hope you all got this. You can see the proof. ठीक है? Proof देख सकते हो, और proof मैंने वैसे भी बता दिया. So अब ये concept समझ में आ गया है. अगर ये concept समझ में आ गया है, so, आगे आने वाले जितने भी questions आज के session में हम करने वाले हैं, each and every one of you who is seeing this lecture should be able to attempt this. Alright, क्या तुम तैयार हो? Yes or no? क्या हम तैयार हैं इनके basis पे questions करने के लिए? ठीक है? So, the questions we are going to do now will boost a lot of your confidence. ठीक है? एक नया word आ गया, Diophantine, और उसको करने का method भी आ गया. चलो. ठीक है, तो इसके इसको बारे में हम क्वेश्चंस के थ्रू ही डिस्कस करते हैं. सो गाइस, जल्दी से नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 0 1 2 3 और इनफाइनाइट, इज इट ए और बी और सी और डी? फटाफट व्हिच थ्योरम? थ्योरम 1 और 2 और 3? यू नीड नॉट इवन यूज द पेन. यस, सो इट हैज zero solutions. Kyun zero solutions? Because GCD of 2 and 4 is 2. But 2 does not divide 21. Simple. So theorem 2 kya bolta hai bhai? So theorem 2 bolta hai that if GCD of 2 and 4, A and B, does not divide C, it has no solution. Simple question. So isme solve karne ka kuch zarurat hi nahi hai. Sirf dekhte hi, in a jiffy, you are able to solve these sort of questions. Yes? Superb. Superb. अब मैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, हर कोई कर लेगा, हमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने की आदत होनी चाहिए. सो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा है. टेक योर टाइम, टेक अबाउट अ मिनट टू सॉल्व दिस एंड देन विल डिस्कस. द क्वेश्चन इज गिवन दैट देर आर पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स ग्रेटर देन 1 एंड वाई सैटिस्फाइज द इक्वेशन 2007x -27y is 1923. Oh bhai, bahut bade bade coefficients ki question aa gayi hai. Find the minimum value of 2x plus 3y. So what is the minimum value of 2x plus 3y is the question. Farafat se try to solve. I'll give you a hint. Let me give you a hint. So 2007x -21y is 1923. Theek hai, isko solve karna hai. Again, pichle question mein to hum put karke values put kar sakte the agar coefficients chote hain to.
बट यहाँ पर तो कोई एफिशिएंट छोटे नहीं है, तो यहाँ पर तो कुछ करना पड़ेगा. एक ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रही है, सम ऑफ द डिजिट्स 9, 3 एंड 15, इसका मतलब तीनों चीज़ें थ्री से डिविजिबल हैं. थ्री से डिविजिबल है तो आधा काम तो आसान हो गया भाई. थ्री से डिवाइड कर दो तो 3, 6, 18, 20, 3, 6, 18 एंड 9 इज, सॉरी, फटाफट से जल्दी से करो इसको. -7y = क्या आ गया यहाँ पे, 3, 6, 18, 41. सुपर. तो ये इक्वेशन तो बन गई. अब चेक कर लो क्या बाकी 7 से डिविजिबल है या नहीं है. अगर 7 से भी डिविजिबल होगा तो और छोटी हो गई, नहीं होगा तो यहाँ तो फंस गए. अब द क्वेश्चन अराइजेस कि सर आगे कैसे. अब यहाँ पर तो बड़े बड़े कोएफिशिएंट है, 641, 669, ये तो हालांकि काफ़ी क्लोज हैं, बट 7 तो बहुत छोटा हो गया. सो देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कोएफिशिएंट्स. सो हाउ टू सॉल्व दिस वन. सो गाइज एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं. द कॉन्सेप्ट इज अगर ये कोएफिशिएंट एक दूसरे के बराबर हैं, ऑलमोस्ट इक्वल हैं, नॉट बराबर बट ऑलमोस्ट इक्वल हैं, तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं. आई कैन राइट दिस एज 669 माइनस, बताओ क्या आएगा माइनस करके. माइनस करके क्या आएगा, कैन आई से 28. यस. सो अब क्या करेंगे, 669 को एक तरफ ले जाओ एंड 7 को उधर ले जाओ. सो 7 into y - 4. आई होप यू ऑल गॉट दिस. आई होप सब लोगों को ये चीज़, ये ट्रिक समझ में आ गया. सो हमने क्या किया, राइट वाला कोएफिशिएंट 669 के बहुत करीबी था, तो राइट वाले कोएफिशिएंट को 669 और दूसरे नंबर में ब्रेक कर दिया, सो दैट 669 वाला टर्म मैं एक तरफ इकट्ठा कर दूँ. नाउ 7 and 669, ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते हैं. इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ दैट 7 divides x - 1 एंड 669 divides y - 4, तभी तो इक्वल होंगे. 7 इसको डिवाइड नहीं करता तो 7 क्लियरली इसको डिवाइड करेगा, एंड क्लियरली 669 इससे तो डिविजिबिलिटी का सवाल ही नहीं उठता, तो 669 विल हैव टू डिवाइड y माइनस 4. हो गया क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज माय डियर फ्रेंड्स, ही हैज आस्क्ड अबाउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x + 2x + 3y. मिनिमम वैल्यू निकालना है, मतलब x और y सबसे छोटे होने चाहिए. तो सबसे छोटे के लिए सिंपल फंडा है दैट x माइनस 1 को 7 पुट कर दो एंड y माइनस 4 को 669 पुट कर दो, बिकॉज अदरवाइज उससे बड़े ही होंगे मल्टीपल्स अगर होंगे तो. अगर छोटा करना है सो x का वैल्यू 8 हो गया एंड y का वैल्यू 673 हो गया. सो हम निकाल लो 2x + 3y कितना आ रहा है, इतना मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं. सो विच ऑफ दीज फोर ऑप्शंस ए बी सी और डी, 2x + 3y, हरी अप. यस, 2x + 3y कितना आ रहा है, 2035. सिंपल. एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला. यस, मजा आ रहा है. आई होप यू आर ऑल एंजॉइंग दिस. ठीक है, नया कॉन्सेप्ट एंड उसके अंदर भी हम नए मेथड्स ट्राई कर रहे हैं. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. इफ द क्वेश्चन इज क्लियर बच्चों, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं ये कौन कर सकता है. नाउ दिस क्वेश्चन इज अ बिट ट्रिकी. सिंपल है बट थोड़ा सा ट्रिकी है. सिंपल ट्रिकी. ए बी सी आर 3-digit number एंड विथ सैटिस्फाई 49a प्लस 7b प्लस c इज 286. नाउ ए बी एंड सी आर सिंगल डिजिट्स and there's a number ABC, 3-digit number, such that 49A plus 7B plus C is 286. Find that 3-digit number ABC. Find that 3-digit number ABC. So the 203 or 556 or 326 or 442. So I know बहुत सारे बच्चे क्या सोच रहे हैं कि सर इसमें क्या है, इसमें तो क्या करो, ये सारे digits ABC put करके check करके देख लो भाई 286 किससे बन रहा है, उससे answer आ जाएगा. Again बच्चे, the idea is not to find the answer but to learn about a new concept. Naya concept seekhte hain iske zariye. So the concept is 49A. So bahut sare bachchon ne already, I can see answer nikal liya hai. Bas put karo A2 B0 C3, kya 286 ban raha hai. A5 B5 C6, kya 286 ban raha hai. 326 se check karo, 442 se check karo. But the idea is
not to use the options. Bina options ke karke dikhaoge to manunga main. So 49A plus 7B plus C is 286. Now how do we find A and B and C? So guys, the underlying concept is congruence. Congruence of numbers jo humne pichle lecture mein seekha tha. Now I can clearly see that this is divisible by 7, this is divisible by 7. Kya ye 7 se divisible hai? Nahi. But 7 se divisible nahi hai to remainder kitna chhod raha hai right inside. So remainder dekh le 280 plus 6. So remainder is 6. So what I do is I take congruent modulo 7 on both the sides. So mod 7 on both sides. Dono taraf mod 7 le lete hain. So can I say mod 7? What is 49A mod 7? This is 0 because this is clearly divisible by 7. This is also 0. And this will be C. Pata nahi C kya. And right hand side mein it will be 6 mod 7. So dono taraf mod 7 liya. So C ka value bachon kya aa gaya? 6 aa gaya. Theek hai? And 6 is clearly less than 7. So C has to be 6. So ye option gaya, ye option bhi gaya. Two options reh gaye. So C ko jaise hi maine 6 put kiya. So 49A plus 7B becomes 280. Yahan se 7A plus B is kitna 40. Ho gaya question. Ab A and B are single digit and 7A plus B 40 hai. So 7 ka kaun sa multiple? And also A and B are less than or equal to 9. Theek hai, 0 se 9 ke beech mein hi hai. So clearly A ki solution hai bhai ki A 5 ho jaye. And B be 5 was there because A agar 5 nahi hai, say A 4 hai. So B will be 12, which is not possible because they are single digit numbers. So number clearly is bachon 5, 5, 6. I hope this is clear. So what we have taken is, we have taken modulo 7 on both the sides. Mod 7 on both the sides because dikh raha tha that pehli two terms were divisible by 7. I hope this is the new concept. So again, jitne bhi questions kar rahe hain, sab hum questions mein ek naya concept use kar rahe hain, so that tumhare horizon aur zyada widen ho jaye. Clear hai? Yes or no? Yes or no? Can we move forward? Can we move forward, guys? All right. Question number 4. Question number 4 coming up. Simple question. Simple. I would say simplest of all the questions that we have discussed till now. Theek hai? Simplest of all the questions. Jaldi se. Number of integral solutions. So remember, these are all Diophantine equations because single equation and more than one variables. Pichle question mein, there were three variables. So we solved a Diophantine equation with three variables. Now again, we've come back to two variables. So 13x is equal to 7y. So 13 upon 7 is x upon y. Fatafat se, I've given you enough hint. I've given you enough hint. Now x plus y, my dear friends, is greater than 80 and less than 120. So, kitne integral solutions ho sakte hain x aur y ke? Fatafat se solve karo and jaldi se answer likho chat box pe. Simple? Okay. Now there are two variables. So, bacho, mujhe ek mauka mil gaya two variables ko ek single variable mein convert karne ka. So, kabhi bhi aisa mauka milta na, pakad lo. Kyunki aise mauke jaldi nahi milenge. So, I have got this great opportunity to convert the two variables into single variable. Kaise? X upon y agar 13 upon 7 hai. So can I say x is 13t and y is 7t. Ho gaya question. So I have converted these two into single variable. Now what is given x plus y? So x plus y is bachon 20t and 80 is less than 20, t is less than 120, giving me t lying between 4 and 6. T ek integer hai because x or y ek integer hai. So T can only be 5. If T is 5, x will be 65 and y will be 35. So this, can I say, is the only integral solution to this question. Only integral solution to this question. So only integral solution is 1. So number of solutions, exactly 1. So this was the simplest of all the questions. Simplest of all the questions, right? So again, 4 questions. 4 different concepts. 4 questions, 4 different concepts humne already seekh liye hain, samajh liye hain. Theek hai? I hope sabko maza aa raha hai aur learning ho rahi hai. Alright. Now, I would say this is the most difficult one of all. Right. So,
ABCDEF is a 6-digit integer such that DEF's ABC, ठीक है, exactly reversal नहीं हुआ ध्यान से, DEF ABC is 6 times the value of ABCDEF. थोड़ा सा complicated है, जल्दी से दिमाग लगाओ, एक नया concept सीखेंगे, not new, but we'll be using all the concepts that we have used in question number 1, 2, 3, 4. सभी concepts में कुछ ना कुछ लेके इस question को solve करने की आदत डालते हैं. देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं. दिस इज अ डिफिकल्ट वन, हो सकता है टाइम लगे, बट अगर ये कर लोगे इट विल बी अ बोनस, बिग बिग बोनस, एंड इट विल ब्रिंग अ स्माइल टू योर फेसेस, बिकॉज दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन गाइस. चलो, ए बी सी डी ई एफ एक नंबर है, एक नंबर है डी ई एफ ए बी सी. नाउ सी दैट दिस इज नॉट द रिवर्स, रिवर्स वुड हैव बीन एफ ई डी सी बी ए. यहाँ पर आधा तीन सेम है, आधा तीन सेम है. सो अगर तीन तीन का ग्रुप है, सो कैन आई से ए बी सी डी ई एफ कैन बी रिटन एज 1000 ए बी सी प्लस डी ई एफ. मैंने इसको एक एक करके इसलिए सेपरेट नहीं किया बिकॉज उसका फायदा ही नहीं था, बिकॉज ए बी सी इकट्ठा दिया हुआ है हर जगह और डी एफ इकट्ठा दिया हुआ है. सो ए बी सी इंटू 1000 प्लस डी ई एफ. सिमिलरली डी ई एफ ए बी सी, दिस नंबर कैन बी रिटन एज 1000 DEF plus ABC. Now simply put this equation, put these values here. Now this number DEF ABC, that is 1000 DEF plus ABC. This is a 3-digit number and this is a 3-digit number. It's 6 times ABCDEF. ABCDEF ki value kitni hai? 1000 times ABC plus DEF. ठीक है, सो दिस इज द सिंपलेस्ट इक्वेशन. तो एक तो ये सोचना मुश्किल था, ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चन अगर ट्रिपल वैल्यूज में वैल्यूज हैं तो तुम इकट्ठा ले सकते हो. जरूरी नहीं है कि ऐसे करना दैट ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 10 प्लस सी इंटू 10 स्क्वायर. ये तब लो अगर ए बी सी इंडिविजुअली अकर कर रहे हैं. यहाँ पर ए बी सी इंडिविजुअली अकर नहीं कर रहा, यहाँ पर ए बी सी और डी एफ इकट्ठे अकर कर रहे हैं. सो डी एफ को एक, ए बी सी को एक. लेट अस सिंप्लीफाई दिस. So 1000 minus 6, can I say this is 994 DEF is equal to 6000 minus 1, that is 5999 ABC. क्या ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं, क्या ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं? Just see, क्या 7 से divisible है? 7, 1, 7, 29, 4, 28, 142, yes, ये तो पक्का है. अगर ये भी हो जाए तो मजा ही आ जाएगा. 7, 8, 56, 39, 75, 35, 49. Oh yes, bhai ho gaya question. So 142 times this 3-digit number is 857 times this 3-digit number. And again guys, if this is a 3-digit number only, iska matlab DEF has to be 857 and ABC has to be 142. Multiples to ho hi nahi sakte na, because agar multiple honge wo aage badh jayega number, 4-digit ho jayega. So DEF has to be 857, ABC has to be 142. So number ABCDEF was 142857. And we can find the sum of the digits. We can find the sum of the digits. Jaldi se find karo. 13 plus 7, 20 plus 7 is 27. So 27 is the answer to this question, guys. I hope this is clear. This was the most difficult one of all. And I hope इन पांचों क्वेश्चन से पांच डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, पांच डिफरेंट क्वेश्चंस किए हैं बेस्ड ऑन 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. आई होप ये सबको समझ में आ गए हैं, और अगर आ गए हैं, दिस इज वन बोल्ड स्टेप फॉर अस, फॉर मी, फॉर यू, टू दिस कॉमन एम, दैट इज ब्रिंगिंग होम गोल्ड फॉर इंडिया. थैंक यू गाइज. इफ यू लाइक द सेशन, प्लीज हिट लाइक, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड ऑल्सो एज आई रिपीट, अगर आसपास कोई भी ऐसा बच्चा है जिसका मैथ्स अच्छा है, जिसको मैथ्स पढ़ना है, अच्छा मैथ पढ़ना है, अच्छा साइंस पढ़ना है, प्लीज़ उसको वेदांतु ओलंपियड स्कूल के चैनल पे लेके आओ और उसको सब्सक्राइब करवाओ. ऑल राइट गाइस, मोर ऑन नेक्स्ट सेशन. नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस द डाइफेंटाइन इक्वेशन पार्ट 2. टेक केयर, हैव फन एंड स्टडी एट होम. बाय.